फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज यहाँ पे मैं बैठी हूँ। दिशानी को अन्न प्रशन में जितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गिफ्ट्स शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। देखिए, गिफ्ट्स का कुछ नहीं है, बस ये है कि दिशानी के अन्न प्रशन में सब लोग आए, इतना प्यार दिया, उसे आशीर्वाद दिया। तो गिफ्ट ज़्यादा अहमियत नहीं है, अहमियत है आशीर्वाद। और सब लोग, आप लोगों को तो पता ही है आजकल बाहर कितनी धूप है, और इस धूप में सब लोग फिर भी आए, गर्मी भी है बच्चों को लेके, और फिर भी इतने दूर आए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, यहाँ पर दिशानी के कलेक्शन तो ज़्यादातर यही है, कपड़े और ज्वेलरी। और यहाँ पर इस बस्ते में क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बस्ते में है थाली और गिलास। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बच्चों का अन्नप्रशन जो होता है उसमें खाना ही खिलाते हैं, तो इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों को, मतलब दिशानी को, जैसे कि अन्नप्रशन होती है तो गिलास और कटोरी और थाली दिया जाता है। तो इस बस्ते में पूरा थाली, गिलास और कटोरी, चम्मच, इन सारी चीज़ों से ही भरा हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा बात ना करते हुए ये मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्रेस दिखाऊंगी, तो यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। तो ये देखिए, दिशानी को दिया है बेबी फ्रॉक, तो बहुत अच्छा है। ये देखिए, थोड़ा बड़ा साइज का भी है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो भी मैं उसको पहना पाऊंगी। तो ये देखो पूरा फ्रॉक। दूसरा फ्रॉक ये है, ये देखो, ये भी बहुत सुंदर है, बेबी पिंक कलर में है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि दिशानी को इतने सारे कपड़े मैं कब पहनाऊंगी। साथ ही साथ मैं फोल्ड भी कर दूंगी, नहीं तो फिर बाद में मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है एक टॉप और स्कर्ट। तो ये देखिए टॉप और स्कर्ट, ये भी बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर बहुत अच्छा कलेक्शन ही, मतलब मिला है, सब लोगों ने बहुत अच्छा ड्रेस ही दिया है दिशानी को। एक भी ड्रेस ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहना सकती हूँ, सारे ड्रेस बहुत अच्छे हैं। और मुझे ना ज़्यादातर याद नहीं है कि किसने किसने क्या क्या दिया था, तो इसी वजह से मैं किसी का नाम नहीं बोल रही हूँ। तो ये देखिए, ये है कॉटन में स्कर्ट और इसके ऊपर है टॉप। तो ये भी बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, जीन्स और इसके साथ है टॉप। तो ये भी मुझे याद है, एक मामा ने दिया था। तो ये भी बहुत सुंदर है, दिशानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो भी पहन पाएगी। बहुत अच्छा है ये। और सबसे पहले तो बच्चों की ड्रेस बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दिशानी रो रही है अंदर, है ना, पता नहीं, दो दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी पिंक कलर में एक ड्रेस है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, देखिए। तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
रो रही है अंदर। आज वो मुझे वीडियो शूट करने ही नहीं दे रही है, कल से पता नहीं उसको क्या हुआ है। यहाँ पे भी देखिए एक टॉप और यहाँ पे है जीन्स और इसके ऊपर है टॉप। तो ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है, देखिए आप लोग। दिशानी से मैं दुखी हो गई। दुखी रहती है। इसको दिखाऊंगी बाद में, पहले इसको दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए वाइट कलर में एक स्कर्ट है और इसके साथ भी एक टॉप है, और मुझे ना स्कर्ट टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी सुंदर है, सॉफ्ट है। इसमें भी मम्मी ने सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए। ये देखिए ये ड्रेस थोड़ा सा अलग है सारे ड्रेस से, तो वो ये भी अच्छा ही है। इसमें मोती, बिंदी, फूल, सारी चीज़ें हैं। ये देखो, और यहाँ पे ये इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, फर। तो ये भी लगा हुआ है। तो ये ड्रेस भी सुंदर है और इसके साथ छोटू सा एक पेंट है। तो ये पेंट तो दिशानी को नहीं आएगा, खैर ड्रेस तो आ जाएगा उसको। ये देखिए, और इस टाइप के बनियान ड्रेस है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, गर्मियों के सीजन में, और ये बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। तो इसके साथ शायद ये है पेंट, हाँ इसका पेंट यही है। तो इस टाइप के ड्रेस ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दिशानी को मैं ज़्यादातर टी शर्ट और स्कर्ट ही पहनाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक पेंट है, इसका ड्रेस शायद ये है। तो ये है ड्रेस, और इसके साथ है ये पेंट। तो ये ड्रेस भी अच्छा है। तो मैंने एक एक बार देखा था पहले, तो मैंने देख के ही आप लोगों को बताया। ऐसा कोई ड्रेस है नहीं कि अच्छा नहीं है, सारे ड्रेस बहुत अच्छे हैं। रख देती हूँ फोल्ड करके साथ ही साथ, नहीं तो फिर सारा देख के फिर मैं ही घबरा जाऊँगी कितना सारा फोल्ड करना पड़ेगा। और ये है टी शर्ट और शायद पैंट। तो ये देखिए पैंट ब्लैक, और यहाँ पे है टी शर्ट। तो ये भी अच्छा है। ड्रेस है तो ये है पैंट इसका, और ऊपर का ये है टॉप। तो इसका कलर बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है मुझे। तो ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी दिशा नहीं तभी पहन पाएगी इस ड्रेस को।
ये तो दिखा दिया है, इसमें कुछ नहीं है, एक साइड कर देती हूँ। हाँ ये सारी तो मैंने दिखा दिए हैं। अब बचा ये वाला पैकेट, तो देखिए ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम कॉटन। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये ड्रेस, और ये मेरी मौसी ने दिया था दिशानी को, तो मुझे याद है क्योंकि पहले ही दे दिया था मौसी ने इसी वजह से। तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ये वाला ड्रेस देखो, ये भी मेरी छोटी मौसी ने दिया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और देखिए इसके पीछे बटन भी है, बटन वाले जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, बटन खोल के उनको निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर निकालते टाइम कपड़े बच्चे रो देते हैं इसी वजह से। तो ये देखिए इसका पेंट ये है, और ये है ड्रेस, और मुझे इस टाइप के ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये है, ये तो दिशानी के पापा लाए थे दिशानी के लिए घर पे पहनने के लिए डेली यूज़ के लिए, उसको टी शर्ट तो चार लाए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा एक तो वीडियो में, दो यहाँ पे मिस है, तो इस टाइप के चार लाए थे, तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन और कलर अलग अलग थे। तो ये भी अच्छा, ये मैं ज़्यादातर घर पर यही पहनाती हूँ दिशानी को, और कहीं जाऊँ आऊँ तो ये सारे कपड़े जो है वो सारी चीज़ें मैं पहनाती हूँ, पर अभी गर्मियों की वजह से कहीं जाना आना हो नहीं रहा है। पैकेट में भर लेती हूँ फिर बाद में दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे भी है कुछ कपड़े ही शायद, तो ये देखिए इसमें है कपड़ा, तो इस टाइप के कपड़े तो आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा ही है, मैंने पहले भी दिशानी को बहुत ज़्यादा पहनाया था जब वो बिल्कुल छोटी थी, तब मैंने इस टाइप के कपड़े पहनाया था, तो ये मेरी दीदी ने दिया था, और इसके साथ ये पैंट है। तो ये कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दिशानी को पहनाने के लिए, क्योंकि ये इतना कम्फर्टेबल और सॉफ्ट होता है ना इसका कपड़ा, ये देखो। तो ये देखिए एक स्कर्ट और इसके ऊपर है टॉप, तो ये भी बहुत सुंदर है इस टाइप के स्कर्ट, कमी है दिशानी के पास इस टाइप के स्कर्ट कम है, उसके पास है ही नहीं शायद। तो ये देखिए इसका, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। एक लास्ट ड्रेस ये देखिए, बेबी फ्रॉक है ये, इसको पहन के तो दिशानी परी बन के उड़ जाएगी। ये देखो इसका डिजाइन, तो कपड़ों का तो हो गया है सारा, तो मेरे लिए तो देखिए सारे कपड़े ही सुंदर है, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, सारे सुंदर है, बच्चों के कपड़े वैसे भी सुंदर ही होते हैं। अब दिखाऊंगी ज्वेलरी, तो सबसे पहले मैं इसको दिखा दूं। तो ये चेन ये मेरे मामा जी ने दिया था, मेरे मझले वाले मामा ने,
और इससे पहले भी दिया है एक बार सब लोगों ने दिशानी का, जब वो घर से निकालते हैं तो एक प्रोग्राम होता है बंगाली में, तो उसमें दिया था। और इसमें है पायल, तो ये देखिए दिशानी का पायल, और बहुत ही सुंदर पायल है ये वाला पायल मेरे एक मामा ने दिया था, आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम वाले वीडियो में। और इसमें भी पायल है, दिशानी के तीन जोड़े पायल हो गया है। तो ये पायल भी मेरी मौसी ने दिया था, तो एक खुला हुआ है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है, दोनों पायल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो पायल ख़त्म, अभी भी एक जोड़ी है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था वो पायल, इसीलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देखिए और एक चेन है, ये मेरी दीदी की लड़की ने दिया था। तो इसमें है भोलेनाथ जी या कृष्ण जी, कृष्ण भगवान बना हुआ है। तो ये भी एक चेन है अच्छा सा लॉकेट के साथ। और यहाँ पे देखिए उसको दो जोड़ी चूड़ी मिला था, तो एक चूड़ी तो दिया था मेरी चाची ने, मतलब दोनों चूड़ी जो थे हाथ के वो दोनों चाचियों ने दिया था, एक ये और एक ये। तो ये वाला तो मैंने दिशानी को एक दो बार पहनाया था, और ये वाला अभी तक पहनाया नहीं है। तो ये दो चूड़ी दिया। तो ये दोनों चूड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके पास और भी है, ये देखिए इतने सारे, और एक जोड़ी और भी है उसके हाथ में था, तो शायद मैंने कहीं रख दिया है। तो उसके चूड़ी तो हो गए हैं 5-7 जोड़ी। और इसके अंदर भी चेन ही चेन है दिशानी के, दिशानी को बहुत सारा चेन मिला है। तो ये देखो इतने सारे चेन, इसके अलग अलग डिज़ाइन हैं। और यहाँ पे देखिए दिशानी को मेरी बड़ी दीदी ने पेंडल दिया है लॉकेट एक, तो इसमें हाय लिखा हुआ है। तो ये सोने का है और बहुत ही सुंदर है, छोटा सा है। तो ये पेंडल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर भी दिशानी के पायल और एक जोड़ी चूड़ी है। तो वो है ना, पायल पहनती नहीं है, पायल पहन के बहुत ज़्यादा रोती है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है, इसी वजह से मैं उसको पायल नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि रोती है, परेशान होती है, और कहीं लग जाए इसी वजह से मैं उसका पैर खाली ही रखती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे पायल तो रखे रखे छोटे ही हो जाएंगे, तो मैं उसको अभी से पहनाने लगूँ, एक आध पायल पहना लूँ उसको। तो ये है पायल, और इसके अंदर तो यहाँ पे देखिए ये है चेन जो मेरे भाई ने दिया है। तो ये जो चेन है ना, उस लॉकेट के साथ, लॉकेट को चेन में डालूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा,
तो उस लॉकेट को ना इस चेन में डाल के फिर मैं दिशानी को पहनाऊंगी। एक बार फिर से दिखा दो। तो ये है, उसको ये कलेक्शन मिला है। और अब कपड़ा और ज्वेलरी हो गया है, अब इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये है छोटा सा एक थाली, कटोरी, गिलास और इसके साथ चम्मच भी है, तो इस बस्ते में है। और इस पूरे बस्ते में कम से कम 10 से 15 जोड़ी ये थाली और गिलास, कटोरी छोटे छोटे ये भरे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने एक दो जोड़ी ही निकाले हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए, बहुत ही क्यूट सा एक छोटू सा गिलास, कटोरी और ये है थाली। तो इस टाइप के इसमें भी है, ये देखिए सुंदर सा एक गिलास, चम्मच, कटोरी और एक थाली। तो इस टाइप के पूरे बस्ते में भरा हुआ है, कम से कम 10 से 15 जोड़ी होंगे ऐसे। और हमारे यहाँ पे अन्न प्रशन में मामा जी के घर से कांसे की थाली और कटोरी और गिलास और एक इसके साथ शायद चम्मच और लोटा है, पर वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है। भीड़ भाड़ में उस दिन दिशानी को यहाँ पे सजा के खिलाया था, तो इसी वजह से वो मुझे मिला नहीं, तो जब मिलेगा तब देखूँगी। तो अभी बस मुझे यही मिला है। तो ये देखिए गिलास कितना सुंदर है, और उसके साथ कटोरी और ये थाली, तो बहुत ही सुंदर है, जो दिशानी को मेरी ताई जी ने दिया है। तो ताई जी ने बस ये गिलास और थाली दिया है। और यहाँ पे दिशानी का सबसे छोटा मामा, मतलब मेरी छोटी मौसी का लड़का, तो उसने दिया है ये वाली थाली और ये कटोरी, और इसके साथ एक छोटा सा लोटा भी है, तो वो अभी मुझे नहीं मिला है। तो ये देखिए, और तो दिशानी बड़ी होने के बाद इसमें और इसमें खाना खाएगी। तो यहाँ पे तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो यही सारी चीज़ें मिली है। और हाँ, उसको बहुत सारे लिफाफे मिले हैं जिसमें कैश मिला है, तो वो तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, और बहुत सारे लोगों ने उसको पैसा लिफाफे में दिया है, तो बस उससे मैं कुछ कुछ सामान दिशानी के लिए लूँगी, जो मुझे पसंद आए उन पैसों का दिशानी के लिए ही यूज़ करूँगी उसके कुछ चीज़ें खरीदने में। और अभी यहाँ पे ये सभी था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स आज का ये जो दिशानी को जो कुछ भी मिला है, तो फ्रेंड्स जो कुछ मिला है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और दिशानी के सारे चीज़ें कैसी लगी, क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।